मेरा नाम रितेश श्रीकांत भोई है। मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले में रहता हूँ। पेंटिंग में मैंने मास्टर्स किया है सेंट जॉर्ज स्कूल ऑफ आर्ट में, और पिछले 9 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पेंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर। ₹2009 से मैं एक ल्यूकोडर्मा नामक एक बीमारी से पीड़ित हुआ। दरअसल इस बीमारी में आपकी स्किन के ऊपर व्हाइट डॉट्स आते हैं और आपकी जो ओरिजिनल स्किन है वो कहीं ना कहीं गायब होती जाती है। कुछ ही सालों में इसका प्रभाव मुझे ज़्यादातर दिखने लगा। उस टाइम में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि इसका आगे क्या होगा, कैसे होगा। बट कुछ साल के बाद मैंने फिर से जजेस स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने जो भी मुझे अच्छे तरह से गाइड करते थे। बट उस टाइम में भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि इस बीमारी को लेकर। एक दिन ऐसा आया कि इसी बीमारी के कारण मुझे एक शूट का ऑफ़र मिला, जो कि कमर्शियल के मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उन्होंने मुझे शूट का ऑफ़र दिया। उनको मैंने जब पूछा कि इस तरह का शूट आप क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर जो भी टेक्चर है, जो भी टेक्चर क्रिएट हो रहा है, इट्स अ नेचुरल टेक्चर। कॉलेज में पढ़ा करते थे कि हमें फॉर्म्स निकालना है, फॉर्म्स क्रिएट करना है, और जबकि यहाँ फॉर्म्स मेरे बॉडी पे नेचर ही क्रिएट कर रहा है। उसी फॉर्म्स को लेकर मैं बहुत अच्छी तरह से काम करने लगा। मास्टर्स पे भी मैंने पेंटिंग की उसी काम को लेके। उसके बाद कुछ सालों में मुझे पता चला कि थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर और ज़्यादा एनालिसिस किया कि ये डॉट्स सिर्फ मेरे बॉडी पे नहीं है, नेचर में हर एक पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, पत्ते हैं, पेड़ है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं ये डॉट्स बहुत अच्छी तरह से प्रभावित है। फिर आगे जाके मैंने पत्तों को पेड़ों को थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं उस सब्जेक्ट में, जैसे जैसे मैं उस फॉर्म्स में, जैसे जैसे मैं उस पेड़ों में या पत्तों में मैं जूम इन करने लगा, तो मुझे बहुत कुछ अलग महसूस हुआ कि ये पूरी तरह से एक अलग ट्रीटमेंट है। नेचर में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसके ऊपर टेक्चर नहीं है। नेचर में हर छोटी से छोटी चीज़ को लेके, हर बड़ी से बड़े फॉर्म्स को लेके, जो भी है उसमें अपना सा एक टेक्चर है। उस टेक्चर को लेके मैंने काम करने का सोचा। फिर मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे और ज़्यादा उसमें बहुत सारी जानकारी मिलने लगी कि एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ये सिर्फ पेड़ों में नहीं है, ये एनिमल्स में भी बहुत अच्छी तरह से है। इसलिए मैंने ह्यूमंस फिगर छोड़ के मैंने एनिमल्स लेना स्टार्ट कर दिया। एनिमल्स हो गया, जो भी नेचर के पार्ट्स है उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। इसलिए मेरे पेंटिंग्स में ज़्यादातर टेक्चर के ऊपर काम दिखता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेक्चर के ऊपर ही काम करता हूँ। बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं टेक्चर को लेकर काम करता हूँ।